जांच की टीम ने नशे का व्यापार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख के आसपास आंकी गई है। वही जानकारी देते हुए क्राइम एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि लगातार शिकायत के बाद अवैध व्यापार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कॉलेज के विद्यार्थियों को फोन पर ऑर्डर के आधार पर ब्राउन शुगर उपलब्ध कराते हैं, साथ ही आरोपियों के पहले के भी कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों का नाम इकबाल अफसाना, मोहसिन शाह बताया है। साथ ये भी बताया कि आरोपियों का पूरा परिवार नशे के धंधे में लिप्त है और आरोपी का भाई आजाद नगर थाने का लिस्ट अपराधी है। जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से एक ऑटो रिक्शा एवं 4 लाख की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। इंदौर पुलिस के द्वारा एक नशे के विरुद्ध एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें ऐसे लोग जो नारकोटिक ड्रग्स मतलब जो मादक पदार्थों की वृद्धि करते हैं या उनका उनकी पैडलिंग करते हैं, उनके विरुद्ध में जो कार्रवाई की गई है, इस क्रम में क्राइम ब्रांच की सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो क्षेत्र में छोटी छोटी पुड़ियाँ बना करके ब्राउन शुगर की सप्लाई करते हैं। इस सूचना के आधार पर थाना खजराना और आजाद नगर एरोड्रम के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, उसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है। उसमें एक इकबाल है और एक महिला अफसाना है और एक आरोपी मोशे है। ये तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों ही आरोपियों से कॉमर्शियल क्वांटिटी में मतलब 10 ग्राम से ज़्यादा जो इसमें होती है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है, उसको पकड़ा गया है, जब्त किया गया है और लगभग इस ब्राउन शुगर कीमत 4 लाख के आसपास है और इनको NDPS एक्ट में जो प्रोविजन है उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात आई कि ये जो लोग जो आरोपी हैं, आरोपी छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाते थे और ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो बस्ती हैं, जो मोहल्ले हैं उनमें नवयुवक हैं, उनको उपलब्ध कराते थे। इसके लेकर के जो एक लड़का मोशन है वो अपना ऑटो का भी उपयोग करता था ताकि उसको कोई पहचान न कर पाए और कई बार अपने उस ऑटो के से घूम घूम कर भी सप्लाई करता था। अभी इन तीनों ही आरोपियों को अलग अलग थानों में जो कार्रवाई की गई है और अभी जो इनपुट्स आए हैं, कुछ जानकारियां जो आई हैं उसके आधार पर और भी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।